सो मैंने देखा सर्कस मूवी, ये मूवी कैसी है और मुझे ये मूवी कैसी लगी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो मूवी बिल्कुल वही है, कोई कॉमेडी सीन्स नहीं है। 3 मिनट की स्टोरी को खींच के 2 घंटे का कर दिया गया है। की स्टोरी ऐसी है कि एक डॉक्टर है, किस चीज का पता नहीं वो डॉक्टर है और एक अनाथ आश्रम चलाता है। फिर एक दिन उसके आश्रम में कोई 2 जुड़वा बच्चों को छोड़ जाता है, रणवीर सिंह और वरुण शर्मा को। मेरा कोई हमशक्ल है? चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो 2 अलग अलग फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, बट डॉक्टर करता है इन पे एक्सपेरिमेंट और उन दोनों जुड़वा बच्चों को अलग अलग कर देता है। पहले कभी उठी आए हैं? नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और दोनों फैमिली को एक रणवीर सिंह और एक वरुण शर्मा देता है, क्योंकि ये डॉक्टर इतना डेस्परेट होता है कि लोगों को बताने के लिए खून के रिश्ते ही सिर्फ अच्छे नहीं होते, परवरिश के रिश्ते भी अच्छे होते हैं। एक्टिंग की बात करूँ तो सबकी एक्टिंग ओके ओके लगी, बट मेन पॉइंट है मूवी की कॉमेडी, जो मुझे कुछ ही जगह पे लगी। मतलब कुछ ही ऐसे सीन्स है जो फनी है, बाकी के सीन्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी मैं क्यों देख रहा हूँ। एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। मुझे सारे एक्टर्स डेस्परेटली कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे इतना फनी नहीं लगी। संजय मिश्रा जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मुझे इस मूवी में ओवर एक्टिंग करते हुए लगे और वो कॉमेडी करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अजीबो गरीब हो गए तुम, हम अजीबो अमीर हैं, बट उनसे नहीं हो पाया। और तो और उनको इतने क्रेंची डायलॉग्स दिए गए हैं कि आपके कानों से खून निकलने लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड सिद्धार्थ जादव, उनकी कॉमेडी सीन्स आपको पसंद आएगी और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है आपको पसंद आएगा। ये मूवी एक प्रूफ है कि अगर आपके पास इतना अच्छी स्टोरी नहीं है, चाहे आप इतने भी अच्छे कास्ट को क्यों ना ले लो, मूवी तो क्रेंची ही बनेगी। खुद का अपना पेट, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। रोहित शेट्टी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और उनका एक अलग ही स्टाइल है सेट्स यूज करने का शूटिंग में, बट फिर भी इतना मालूम नहीं पड़ता है। बट इस मूवी में पूरा पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पूरी टाउन की घरों को कलर किया है, मतलब बहुत ही ओवर सेटुरेट किया है कलर्स को। बट मुझे एक बात अच्छी लगी मूवी में, मुरली शर्मा का जो कैरेक्टर है डॉक्टर का, हमको बताता रहता है कि आप स्टोरी में जो कि है ही नहीं उसमें क्या हो रहा है, वरना मुझे तो मूवी सच में समझ में नहीं आती आखिर मूवी में चल क्या रहा है। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे हमको ट्रेलर में दिखाया गया है, स्टोरी कनेक्टेड है गोलमाल अगेन मूवी से, जो कि क्यों है पता नहीं। सो ओवरऑल ये एक कंप्लीट टाइम वेस्ट मूवी है। बाकी आपकी मर्जी, आपको ये मूवी देखना है या नहीं, और अगर देखना है तो ये मूवी आप थिएटर में देखोगे या OTT पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 ऐसे वेब सीरीज के बारे में जानना है 2022 में आई है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें, या फिर 10 ऐसे एक्शन मूवीज के बारे में जानना है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आंखों से देखा है, देखा नहीं हूं मैं।